أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم. हमारी गुफ्तगु सूरह बकरा की आयत नंबर 47 में इस ज़ेल में चल रही थी कि आयत नंबर 40 के बाद फिर आयत नंबर 47 में कुरान बनी इसराइल से मुखातब होता है और जिस तरह आयत नंबर 40 में मुखातब था इस तरह फिर आयत नंबर 47 में मुखातब है और ये आयत कि इस आयत में एक इजाफी नुक्ता है कि वह अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन कि हमने तुम लोगों को यानि बनी इसराइल को फजीलत दी तमाम आलमीन के ऊपर। अब यहाँ पर एक मुफसरीन के दरमियान एक गुफ्तगु करार पाई कि यहाँ आलमीन तमाम जहान वालों के ऊपर फजीलत कैसे जो है वो दी जा सकती है कि जिसमें कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान की आयत नाजिल हुई कि कुंतुम खैर उम्मतिन कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो अब यहाँ पर वैसे तो देखें एक कानून जिसको फुकहा अपने इज्तिहाद में भी इस कानून को लेकर आते हैं कि अगर एक आम हो एक उमूमी बात हो और बाद में उस उमूमी बात को तख़सीस दी जा सकती है, एक उमूमी बात हो और उसको तख़सीस दी जा सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर अकरमिल उलमा तमाम उलमा का इकराम करो, दूसरी दलील आकर कहे कि ला तुकरमिल फुसाक के फासिक का इकराम मत करो तो ये अकरमिल उलमा से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस्तेस्ना हो जाएगा। खूब ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए एक एग्जेम्प्शन के लिए इस्तेस्ना के लिए कि एक आम को इस्तेस्ना करना या एग्जेम्प्ट करना ये कलाम अरब में और हर जबान में जो कि वो मौजूद है। लिहाजा एक इसका जवाब तो हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में बयान किया था, उसी को दूसरे अंदाज से हम बयान कर रहे हैं।
वो क्या जवाब दिया था हमने? वो जवाब ये दिया था कि अलल आलमीन, कि तमाम आलमीन पर हमने तुमको फजीलत दी, कि जिस तरह बिनते रसूल सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साथ जो तकाबुल आया है, तो उसमें रिवायत में जो बयान किया गया कि हजरत मरियम अपने आलम, अपने जमाने की ख्वातीन में सैयदा हैं, और तुम जो वो यानी हजरत जहरा सलामुल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अंती सैयदतु निसाए आलमीन मिन अल अव्वल वल आखिरीन, के अव्वल व आखिरीन। तो यहां पर भी बनी इसराइल को जो फजीलत हासिल है, बनी इसराइल को फजीलत हासिल है, वो या तो हम ये कहें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत और आलम से कद नज़र बाकी आलम की निस्बत, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो वो तमाम आलम के ऊपर बेहतरीन उम्मत है, फजीलत हासिल है, जिसमें बनी इसराइल की उम्मत भी शामिल है। तो एक जवाब इस तरीके से दिया जा सकता है। एक और जवाब जो दिया गया है वो ये कि बनी इसराइल जो है वो यहाँ पर एक खास एंगल, एक खास वजह से फजीलत का बयान किया गया। मसलन जो है वो बनी इसराइल में मुख्तलिफ नेमतें नाजिल की गई, मुख्तलिफ उनको मसलन मायदा आसमान से उतरा, उनके लिए मोजीज़े पूरी उम्मत के लिए इस तरीके से कि फिरौन से नजात पाई, समंदर में उनके लिए रास्ते निकले। तो ये जो है वो इस एक खास दुनियावी जो उनके लिए एक नेमत नाजिल हुई उस एतबार से है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर उम्मतिन यानि मसलन क़ुर्ब इलाही के एतबार से, हिदायत के उनवान से, खुदा के नज़दीक होने के एतबार से, यानि वो दुनियावी एतबार से, ये उखरवी एतबार से, अब ये भी जो है वो कोई मुजायका नहीं है, इस तरीके से ये माना दुरुस्त किया जा सकता है। अगरचे इसमें जो एक मुश्किल है इस माना करने में वो ये कि कुरान ने बनी इसराइल के जो नेमतें जा बजाय कुरान में शुमार की है, उसमें मसलन ये कहा कि हमने अंबिया नाजिल किए, अंबिया नाजिल किए, फिर भी ये भी बात दुरुस्त है कि हमने फजीलत दी, और अंबिया चूंकि बनी इसराइल के अंबिया एक तवील फहरिस्त है बनी इसराइल के अंबिया में, यानी फहरिस्त मुराद यानी एक बड़ी तादाद बनी इसराइल में उनकी हिदायत के लिए जो वो खुदावंद मुताल ने उनके दरमियान भेजा। अब ये कहना कि ये कोई मुस्बत बात है या मनफी बात है, तो मुस्बत बात इस उनवान से हो सकती है कि खुद बनी इसराइल से, बनी इसराइल में मबूस हुए, जैसे अरबों को चूंकि एक यहूदी और ईसाइयों के लिए हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कबूल ना करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था, क्योंकि उनकी कौम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस नहीं हुए थे, मक्की और अरब में मबूस हुए थे, लिहाजा उनका तासुब, ये तासुब इंसान को मार डालता है। तो उनका तासुब माने बना कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने में उन्होंने पसुपेश किया और कबूल नहीं किया। अला ये हाल, तो ये भी एक बहरहाल माना किया जा सकता है, और बहरहाल हो सकता है इस तरीके से माना बईद नहीं है। यहां पर आपकी खिदमत में एक नुक्ता बयान करूं, अल्लामा नक़न अपनी तफसीर फसलुल खिताब में एक नुक्ता बयान करते हैं, और उन्होंने इस आयत का यूं तर्जुमा किया है, मुलाहिज़ा फरमाइए कि वअन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन का यूं तर्जुमा किया कि मैंने तुम्हें तमाम खलाइक से ज्यादा अता किया है। खूब तवज्जो करें, यानि फ़ज़लतुकुम ज्यादा अता करना, इस माना में उन्होंने इसको बयान किया है,
यानी मैं खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें फजीलत नहीं दी है तमाम आलमीन के ऊपर, यूं माना नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने माना किया है कि मैंने तुम्हें तमाम खलाइक से ज्यादा अता किया है। और मालूम है कि ये जो कि वो तुम्हें तमाम खलाइक से ज्यादा अता किया है, अब ये मालूम है कि खिलाफ जाहिर तफसीर है, लिहाजा बहरहाल वो इसके लिए दलील लेकर आते हैं और कहते हैं कि कुरान ने मुतादिद जगहों पर फजल का लफ्ज माल दौलत की ज्यादती के मफहूम में आया है। यानी फजल, देखिए फजल जो है वो मुख्तलिफ इससे मुतसिल माना आते हैं फजल के। मतलब एक तो फजल तुकुम यानी फजीलत अता की, फजीलत वैसे ज्यादती के ही मानों में होती है, सही ना, फजीलत ज्यादती के ही मानों में होती है, सही ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये फजीलत का वक्त है, यानी इसमें सवाब की ज्यादती है, मतलब नमाज फजर की फजीलत का वक्त, नमाज मगरिब की फजीलत का वक्त। तो खुद फजलतुकुम अलआलमीन यानी हमने तुम्हें बाकी आलमीन के ऊपर फजीलत अता की, यानी फौकियत अता की, एक तकद्दुम, एक फजीलत अता की, एक तकद्दुम अता किया, एक बाकियों की निस्बत जो कि तुम्हें ज्यादती अता की मंजिलत की मसलन। तो अल्लामा नकन ने जो कि वो यहां पर ज्यादती को मखसूस किया है माल दौलत की ज्यादती के साथ, के फजलतुकुम ऐ फजलतुकुम फिल माले मसलन, के तुम्हें तमाम खलाइक से ज्यादा अता किया, यानी माल में तुम्हें फजीलत अता की। अब ये बात जो है वो जरूर सही नहीं है, इसलिए कुरान में अगर हम बनी इसराइल की आयात को देखते हैं तो जैसा कि आपकी खिदमत में बयान किया कि दुनियावी फजीलत के अलावा मसलन अंबिया मबऊस हुए, फिर जो है वो मसलन फिरौन से नजात दी, फिरौन के जुल्म से नजात दी, तो ये सब फजीलतों में जो वो दाखिल है। अंबिया आए तो ये माल दौलत से जो वो मखसूस नहीं है, लिहाजा ये बेहसब जाहिर जो कि वो तवज्जो करें। एक नुकता आपकी खिदमत में तफसीर से मुतालिक बयान करूं कि तवज्जो कीजिएगा, ये रूल है, ये कानून है। फौरन हम नारे हैदरी ना लगा दें एक नुकता सुनने के बाद, हम तामुल करें, गौर करें, गौर करें कि आया एक आयत, देखिए जब एक आयत हमारे पास कोई भी बात आती है, चाहे आयत की शक्ल में हो चाहे रिवायत की शक्ल में हो, उसका बजाते खुद एक जुहूर हुआ करता है। जुहूर पे मैं कई मरतबा गुफ्तगू कर चुका हूं, यानी वो कुरान की आयत क्या बयान करना चाह रही है इसको कहते हैं जुहूर। अब वो कुरान की आयत हो या रिवायत हो, अब इस जुहूर को, जुहूर वाजे हो गया, जुहूर किसे कहते हैं, किसी भी आयत का जाहिरी माना, किसी भी आयत का जाहिरी माना, इसको कहते हैं जुहूर। और फुकहा ने इसके ऊपर बहुत तफसीली गुफ्तगू की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, जुहूर की गुफ्तगू। यानी आपकी खिदमत में मैं एक नुकता आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पूरा दर्स खारिज का अगर मुझे कोई कहे कि एक जुमले में दर्स खारिज को बयान करें, तो एक जुमले में दर्स खारिज ये है कि कुरान और रिवायात का जुहूर निकालना, कुरान और आयात का जुहूर निकालकर फतवा देना। मुज्तहिद इरफानी नुक्ते नहीं निकालता है, नुकात नहीं निकालता है, बल्कि वो पाबंद है इस बात का कि आया कलाम खुदा से या कलाम इमाम से एक आम इंसान क्या नहीं समझता है, क्या समझता है, सही ना। तो इसको जो है वो जुहूर कहते हैं। अब जब ये आयत आ गई, तवज्जो कर, आयत क्या है, वह अन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन। खुब आप देखिए, मैं इसका अरबी तर्जुमा से भी तर्जुमा करता हूं, और आपके पास उर्दू या इंग्लिश तर्जुमा होगा तो आप उससे देख लें। वह अन्नी, मैंने फजलतुकुम, तुमको फजीलत दी आलमीन के ऊपर। खुब ये इसका जुहूर है, ये इसका जुहूर है। खुब अब कुंतुम खैर उम्मतिन उखरेजत लिन्नासे, ये जो आयत आई, खुब ये बता रही है कम अज कम
कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खैर है हद अकल दुनियावी एतबार, दीनी एतबार से, मानवी एतबार से, आखिरत के एतबार से, कुर्ब इलाही के एतबार से, रसूल जैसा हादी होने के एतबार से, आयमा अथार मुस्लिम जैसे हादी होने के एतबार से। बस अब हम ये समझ गए कि फजलतुकुम अलल आलमीन, इससे ये नुक्ता एग्जेम्प्ट हो गया, ये नुक्ता इस्तेस्ना हो गया, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के ऊपर, उम्मत के ऊपर, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम के ऊपर बनी इसराइल मुकदम नहीं रखता है इस एंगल से। ये हमें कदर मुतयकन यकीनी तौर पर जो वो हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, हम कसम उठा कर कह सकते हैं कि फजलतुकुम अलल आलमीन, अगर हम इसको उमूमी फजीलत मान ले हर एतबार से, दुनियावी और उखरवी एतबार से, तो यहां पर रसूल की उम्मत से और रसूल के आलम से, आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो को फजीलत जो को बनी इसराइल को हासिल नहीं है, ये हम यकीनी तौर पर जो वो कह सकते हैं। इसको कहते हैं जुहूर, दो आयत को मिलाने के बाद, दो दलीलों को मिलाने के बाद एक जुहूर हमने निकाला। अब ये कहना कि फजलतुकुम अलल आलमीन यानी माल के एतबार से, माल और दौलत के एतबार से हमने तमाम आलम के ऊपर फजीलत अता की, हो अगर जो है वो तवज्जो करें, अगर जो है वो कोई ऐसी दलील आयत रिवायत मोतबरा अगर आ जाए हमारे पास कि कुरान की इस आयत को कैद लगा दे, कंडीशन लगा दे कि कुरान ने यह कहा कि अन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन यानी फजलतुकुम मिन हैसुल माल, मिन हैसुल दुनिया, मिन हैसुल, मिसाल के तौर पर चूंकि वो मतलब यही दुनिया और माल और दौलत के एतबार से, तो फिर जो को हम ये कैद लगा सकते हैं, ये कंडीशन लगा सकते हैं इस आयत में, वरना हम कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, इस आयत को मुकैद नहीं कर सकते हैं कि मुराद जो को फजलतुकुम यानी ऐ मिन हैसुल माल वल दौलत है, सही ना, मिन हैसुल माल वल सल्तनत वल मुल्क है। हो अब ये सूरह नहल की आयत नंबर 71 को अल्लामा नकन साहब जो है वो शाहिद के तौर पर लेकर आए, फमल लजीना फुज़िलू बिरादि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम, इसको शाहिद और दलील के तौर पर लेकर आए इस आयत को, तो फमल लजीना फुज़िलू बिरादि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत, ये दलील लेकर आए कि यहां पर जो कि वो तवज्जो करें, एक नुक्ता आपकी खिदमत में बहुत ही अहम नुक्ता कुरान का बयान करना चाहता हूं मैं, और अक्सर खुतबा बाज़ोकात मुफस्सिरीन भी खता कर जाते हैं, और बहरहाल ये एक अहम नुक्ता है कि जब तवज्जो करें, अगर एक आयत तवज्जो कीजिएगा, एक कुरान की आयत आए उसका एक माना है, मिसाल के तौर पर ला यनालो अहदे जालिमीन, रिवायत से कते नजर, रिवायत से कते नजर, रिवायत यहां पर आई है, लेकिन रिवायत अगर हमारे पास, तवज्जो करें, जब रिवायत अगर हमारे पास आई है तो फिर शिया के लिए ये माना बनेगा, लिहाजा हम मुसलमानों से इस्तेदलाल नहीं कर सकेंगे अपनी रिवायतों की बिना पर। मसलन ला यनालो अहद जालिमीन, जब हजरत इब्राहिम अला नबी नवाली अलैहि सलातु वसलाम को जब इमामत का ओहदा अता किया तो कुरान ने कहा ला यनालो अहद जालिमीन, के जालिमीन को मेरा ओहदा नहीं पहुंचेगा। जालिमीन, जालिम किसको कहते हैं? आप इस जहनियत के साथ जालिमीन का माना ना करें, दुआ कुमैल वाली जहनियत के साथ। दुआ कुमैल की जहनियत क्या है? जलम तो नफसी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, ये दुआ कुमैल की जहनियत है। नहीं, इस तरह माना नहीं निकलता है। किसी कुरान, किसी आयत में अगर एक जगह पर अगर जुल्म अगर खिलाफ जाहिर माना में इस्तेमाल हो तो हम उस
को दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तवज्जो किया आपने? मिसाल दूं मैं आपको, तवज्जो करें, खूब तवज्जो करें कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कहा कि मैंने शेर को देखा, शेर को देखा, शेर को अरबी में कहते हैं असद, बस इतना का शेर को देखा, खत्म हो गई बात। अब चाहे उसी मुतकल्लिम ने एक दफा जैद शुजा, जो बहुत ही शुजा इंसान है जैद, उसको असद कहा, असद शेर कहा, तो जब उसने कहा था कि मैंने शेर को देखा, तो आम तौर पर हमारे मिंबरों पे भी इस तरीके से नुकात निकाले जाते हैं और बाज़ औक़ात बुजुर्गान से भी खता हो जाती है। बुजुर्गान से मुराद फुकहा की बात नहीं है। खूब तवज्जो किया आपने? एक दफा मिसाल के तौर पर मैंने कहा, अब चूंकि अब चले हम सब जंगल में हैं, सही ना, तो वहां पे पॉसिबिलिटी भी है कि हम शेर को देखें, सही ना, हम सब जंगल में हैं, तो किसी ने कहा कि मैंने शेर को देखा। अच्छा, शेर को देखा तो सबने क्या समझा? शेर को देखा यानी शेर को देखा, वही जो धाड़ने वाला शेर होता है, जिसके पंजे होते हैं, जिसके दांत होते हैं, जिसके बाल होते हैं, जो चार पैरों पे चलता है। हो, उसके बाद चंद घंटे के बाद, चंद दिनों के बाद मैंने एक शख्स को कहा कि हमारे कारवान में जो जंगल में थे, हम लोग जंगल में कारवान गए थे मसलन, मैंने एक को कहा कि तुम जो वो शेर हो, शेर हो। वहां पे सब समझ गए कि मैंने इसको शेर कहा है, यानी धाड़ने वाला शेर नहीं बल्कि ये शुजा इंसान है। तो अब जो है वो आप मेरी उस पहली वाली बात को ये नहीं कहेंगे, जब मैंने कहा कि मैंने शेर को देखा, तो ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा ये इस शख्स के बारे में कहा था शेर को देखा। नहीं, वहां पर अगर मैंने अपनी बात में अगर कोई करीना, कोई दलील, कोई शाहिद बयान नहीं किया, तो जब मैंने कहा कि मैंने शेर को देखा, तो उससे मुराद, शेर से मुराद वो धाड़ने वाला शेर। ये कानून है, तफसीर है, बल्कि नहीं, तफसीर का कानून नहीं है। अच्छा, बाज लोग समझते हैं कि इश्तिहाद अलग चीज है, तफसीर अलग चीज है, मुज्तहिद अलग है, कुरान अलग है, कुरान को समझना अलग है, मुज्तहिद का काम अलग है। ये हिमाकत है, ये हिमाकत है। ये कुरान भी एक कलाम को, तफसीर है कुरान यानी कलाम खुदा को समझना, इज्तिहाद यानी कुरान और हदीस को समझकर फतवा देना। लिहाजा ऐसा नहीं कि दो अलग अलग फील्ड है, यानी हम और आप कुरान को समझ रहे हैं यानी इसके जाहिरी माना को देखना है। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह या नालो अहद जालिमीन, के जालिमीन तक मेरा ओहदा नहीं पहुंचेगा। तो अब जालिमीन का माना क्या है? वही जो जुल्म करने वाला है, जुल्म करने वाला है। लिहाजा अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला मजाजन इस्तेमाल होता है, हकीकतन इस्तेमाल नहीं होता है अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला, या गुनाह करने वाला, गुनाह करने वाला ये हकीकी माना है जुल्म में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि मजाजन इस्तेमाल होता है उर्फ आम में। अगर से लुगत, फिर एक बहस है लुगत की एतबार, लुगत के एतबार से एक बहस है, उसको फिलहाल छोड़ दें। बस अब कुरान में आया, कुरान में एक और मकाम पर आया कि इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, कि शिर्क जो जुल्म अजीम है, शिर्क जुल्म अजीम है। खुब यहां पर ये नहीं कह सकते ला यनालु अहद जालिमीन से मुराद जो मुशरिक है, क्योंकि कुरान जो को मुशरिक को जालिम कहता है, नहीं, ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है इस तरीके से तफसीर करना। और बाज लोग इसका नाम देते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान, नहीं, ये तफसीर कुरान बिल कुरान इसको नहीं कहते हैं। तफसीर कुरान बिल कुरान अगर मिसाल देनी है तो ये मिसाल बेहतरीन मिसाल है जिसको हम गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या? इन्नी अन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तमाम बनी इसराइल को तमाम आलमीन के ऊपर फजीलत दी। कुंतुम खैर उम्मतिन, एक और मकाम पर कुरान कहते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासे, ये है तफसीर कुरान बिल कुरान करें कि अन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन। अगर यहां पर फजीलत, अगर मुतलक फजीलत ले लें, तो यहां पर कुंतुम खैर उम्मतिन ये जो कि वो इस्तिस्ना कर देगी कि बनी इसराइल को बाकी कौम और बाकी आलम के ऊपर तो फौकियत और फजीलत हासिल हो सकती है, लेकिन उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो फजीलत हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि कुरान बयान कर रहा है। इसको कहते हैं तफसीर कुरान बिल कुरान, इसको कहते हैं तफसीर कुरान बिल कुरान। ना ये कि एक माने मजाजी, अगर कहीं पर अगर कुरान इस्तेमाल करें तो अब हर जगह हम कुरान में जहां जो वो लफ्ज आए उसी माने माने मजाजी को लेकर आ जाए,
ये नुक्ता इंपॉर्टेंट तरीन नुक्ता है तफसीर को समझने के एतबार से। आमतौर पर जो खता होती है वो यही होती है कि जब हम कुरान की आयत को बयान करते हैं, अब कुरान में अगर उस आयत से मुतालिक अगर कोई लफ्ज आ गया तो हम हर जगह उसी लफ्ज के जरिए से उस आयत की तफसीर और आयत का तर्जुमा कर रहे होते हैं। ये गलत है, ये यानी गलत है, यानी रविश है, फहम है, कुरान और हदीस नहीं है, ये इस एतबार से गलत है। ये तवज्जो फरमाया आपने, ये इंपॉर्टेंट तरीन नुक्ता है कुरान की आयत को और रिवायात को समझने के लिए, समझने के एतबार से। या जैसे मिसाल से चलें, एक और मिसाल समझने के लिए आपकी खिदमत में बयान करूं कि कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहु इल्ला वजह कि कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजह कि हर शय हलाक होने वाली है सिवाय वजह खुदा के। अब ये एक आयत है, सही ना? अगर हम हो और कुरान की आयत हो तो क्या तर्जुमा करेंगे कि हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय खुदा की जात के। जाहिर खुदा चेहरा तो नहीं रखता है, मुराद क्या करेंगे खुदा की जात के। लेकिन हमारे पास रिवायात मोतबर आई है किस बात के ऊपर कि नहनु वजहुल्ला, हम अल्लाह का वजह है, हम अल्लाह का चेहरा है। और इस आयत की इम्प्लीमेंटेशन में इमाम ने इस आयत को पढ़ा है, इससे पता चलता है। अब जुहूर है, सही वाकई क्या है खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जुहूर की हद तक ये जरूर बन जाएगा कि नतीजा क्या निकलेगा कि हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय अहले बैत अथारे, क्योंकि इमाम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इमाम की तशरीह कर रहे हैं। अब खिताबत में अगर कोई शख्स बगैर दलील के बात करता है तो नारे हैदरी नहीं लगाने का हक है। हाँ, अगर इस रिवायत को लेकर कौल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को लेकर आके बयान किया तो खूब नारे हैदरी लगाए, हक है कि इस हदीस के ऊपर जो को नारे हैदरी लगाया जाए। लेकिन इस बात को हम समझें कि कुरान की आयत हम खतीब के नुकात से नहीं इस्तेफादा किया कर सकते हैं। अगर या जुहूर कुरान हो या रिवायत मोतबरा आकर जो कुछ की तशरी करें तो जो वो एक माना की तफसीर और एक माना की जो एक आयत की तफसीर, एक आयत की तशरी, एक आयत का बातिन या एक आयत का जो भी माना है वो निकाला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट नुकते हैं समझने के एतबार से, ये अहम नुकात हैं समझने के एतबार से। अब तवज्जो करें, आइए अब यहां पर हमारी जो गुफ्तगू थी, अल्लामा नक्कल ने जो अन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन को क्या माना किया, अन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन यानी मैंने, खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें माल के एतबार से तमाम खलाइक से ज्यादा माल अता किया है, सही ना? तुम्हें तमाम खलाइक से ज्यादा अता किया है। कि फरमाते कि ये कुरान ने, अच्छा दलील क्या है, सूरह नहल की आयत नंबर 71। अब आप खुद जाइए सुकून से सूरह बनी, अभी जो हमारी आयत चल रही है वो आयत नंबर 47 अन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन, और जाइए सूरह नहल की आयत नंबर 71, दोनों को मिलाइए, आया आपका जहन, आपकी अकल, आया ये कैद कंडीशन इस आयत को लगाने के लिए, ये आयत है बन रही है या नहीं बन रही है? अच्छा, ये आयत बेहसब जाहिर मेरा नहीं ख्याल कि ये आयत जो है वो, अगर ये आयत अव्वलन तो मालूम नहीं है कि ये आयत, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया कि ये आयत आयत बनी इसराइल से रिलेट करती है या बनी इसराइल से रिलेट नहीं करती है। और अल्लामा नक्कन साहब का भी इद्दा ये नहीं कि ये बनी इसराइल से आयत है, बल्कि उनका इद्दा क्या है, तवज्जो करें, उनका इद्दा ये है कि लफ्ज फजल कुरान में माल की फजीलत के लिए इस्तेमाल हुआ है। खूब माल की फजीलत के लिए अगर कुरान में अगर लफ्ज फजीलत फे ज़ाद लाम फजीलत अगर कुरान में माल की फजीलत के लिए इस्तेमाल हुआ सो व्हाट, हत्ता बनी इसराइल के लिए भी फजीलत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो तो भी हम इस आयत, मैंने कहा ना ये आयत जो है वो सूरह नहल की आयत नंबर 71, आई डोंट थिंक जो कि वो ये बनी इसराइल से मुतालिक हो। अगर बनी इसराइल से मुतालिक हो भी तो भी जो को माना हासिल नहीं होता है। लेकिन जाहिरन अगर अल्लामा नक़न साहब का ये नहीं कहना है, बल्कि अल्लामा नक़न साहब का कहना ये कि इस आयत में फजला आया है माल के साथ, तो जिन्हें ज्यादा दिया गया तो वो ऐसा नहीं करते कि उन्हें मिला है उसे पलटा दें उनकी तरफ जो इनकी मिल्कियत में है। फुज़िलु बिरादि रिज़्क़िहिम, तो यहां पर फुज़िलु फजीलत मिन हैसुल माल आया है, फजीलत मिन हैसुल माल आया तो खूब फज़लतुकुम अलल आलमीन की आयत के साथ, सूरह बकरा की आयत के साथ क्या रब्त है? लिहाजा ये जो वो माना करना इस तरीके से दुरुस्त नहीं है बेहसब जाहिर। हो यहां तक ये आयत जो वो मुकम्मल हुई। आज जो वो आपकी खिदमत में मैंने जो चंद अहम तफसीरी जो कि वो नुकात बयान किए, ये जो है वो
इम्पॉर्टेंट है, और कुरान की आयात को समझने के लिए, कुरान की आयात को समझने के लिए ये अहम नुक्ता है। उसके बाद की जो गुफ्तगू है वो एक अहम गुफ्तगू है। हम इस आयत को आज शुरू करते हैं, इसका जाहिरी तर्जुमा पढ़ते हैं, और फिर जो है वो इसको, इसकी बाकी जो गुफ्तगू है वो इंशाल्लाह अगली दफा हम करेंगे। ये आयत क्या है? आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक्बलु मिन्हा शफाअतुन वला युखज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। खूब, ये आयत दर हकीकत शफात को डिनाई कर रही है, शफात को डिनाई, शफात की डिनाई कर रही है, शफात की मना कर रही है ये आयत। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी फकीर, मर्जे, मुश्तहिद, मुफस्सिर जब किसी आयत का माना करे तो खाली उस आयत को लेकर नहीं माना कर सकता है। खूब, ये आयत शफात की नफी कर रही है, लेकिन खूब हम जो है वो इस आयत को लेकर फैसला नहीं कर सकते हैं जिस तरह मुसलमान जब इस्तेदलाल करते हैं शियों के खिलाफ, तो एक आयत से इस्तेदलाल कर दिया कि कुरान की आयत ये कह रही है, कुरान की आयत ये कह रही है। खूब, यहां पर भी जो वो वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, अगरचे ये आयत अलल इतलाक शफाआत को डिनाई नहीं कर रही है, अलल इतलाक शफाआत को मना नहीं कर रही है, अगरचे बाद ऐसी आयात हैं कि इसको इंशाल्लाह हम तफसील से आने वाली गुफ्तगू में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि ये जो बाद वाला यानी इंशाल्लाह अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारी देखो इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी कि कुरान में दो किस्म की आयात है शफाअत की, सही है ना, दो किस्म की आयात है शफाअत की। और देखते हैं कि कुरान का एक खास अंदाज है गुफ्तगू करने का, वो इंशाल्लाह अगली दफा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस आज जो हम सिर्फ इस आयत का एक जाहिरी तर्जुमा देखते हैं। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। वत्तकू ऑर्डर है, प्लूरल का सीगा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 48। वत्तकू जो है वो ऑर्डर है और प्लूरल का सीगा है, यानी डरो, सही ना। और बेहसब जाहिर ये आयत बनी इसराइल से मुखातब है, बईद नहीं है, ये बईद नहीं है कि ये आयत मुखातब है किससे, बनी इसराइल से, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी। क्योंकि ऊपर जो वो मजम्मत की जा चुकी है बनी इसराइल की, बनी इसराइल की मजम्मत, ये बनी इसराइल कौन से बनी इसराइल है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी और ईसाई थे, जिन्होंने जो हजरत मूसा और हजरत ईसा की नबूवत को मानते थे और अपनी किताबों में पढ़ चुके थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को डिनाई करते थे, इनकार करते थे, ये वो बनी इसराइल है। लिहाजा ये आयात मजम्मत में है बनी इसराइल के। वला तक्तुमुल हक, क्या थी कुरान की आयत के हक को, वला तक्तुमुल हक बिल बातिल, के बातिल के जरिए से हक को मत छुपाओ, और वो जो छुपाया करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को। अब कुरान क्या कहता है? वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, ये डरो उस दिन से, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। अब तीन चीजें कुरान बयान कर रहा है, तीन चीजों की नफी कर रहा है कुरान, तीन चीजों के इनकार कर रहा है कुरान कि डरो उस कयामत के दिन से कि जब कोई नफ्स जजा नहीं पाएगा किसी नफ्स के बदले में, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन। अब इसके दो माना हो सकते हैं, एक माना यह है कि ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर
जिस तरह दुनिया में माँ बाप अपने ऊपर अपनी औलाद की मुसीबत को उठा लेते हैं, तवज्जो करें कि माँ बाप दुनिया में औलाद की मुसीबत को अपने ऊपर मुतहम्मिल होते हैं, उठा लेते हैं, सही ना। या दुनिया में मुमकिन है एक की जगह किसी और को सजा दे दी जाए, सही ना, सिफारिश लगा के, बदमाशी करके, किसी तरीके से जो वो किसी एक का कसूर किसी और की गर्दन पे डाल देना। तो एक माना इसका ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, यानी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से जजा नहीं पाएगा किसी किस्म की, यानी ऐसा नहीं कि इसकी सजा उसको मिल जाए, हमने जो वो सिफारिश लगा दी और हमारी सजा जो को वो किसी और के खाते में डाल दी। एक तर्जुमा इसका यूं है, एक तर्जुमा इसका यूं है कि कोई नफ्स दूसरे नफ्स को फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब ये जो है वो ज़ाहिरन खिलाफ ज़ाहिर माना है बेहसब ज़ाहिर कि ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कि एक नफ्स दूसरे नफ्स को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। सही, ओ सही है, दोनों एहतमाल। अब देखें, आप गौर करें कि कौन सा एहतमाल जो को ज्यादा करीब अज आयत है। ला तज्जी जजा, ला तज्जी जजा। आपकी खिदमत में एक नुकता बयान करूं, जजा हमारे यहाँ जजा सजा के ऑपोजिट इस्तेमाल होता है। उर्दू जबान में आमतौर पर जजा को हम सजा के ऑपोजिट इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में जजा जजा मुतलक सजा के एवज में भी इस्तेमाल होता है और सवाब के एवज में। जजा किसे कहते हैं? जजा रिजल्ट, सही ना, अच्छी जजा बुरी जजा उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उर्दू में मेरा ख्याल जजा इस्तेमाल करें तो आमतौर पर सवाब के लिए इस्तेमाल करते हैं अलाई हाल। लेकिन जजा यानी एक अच्छे काम का रिजल्ट, एक बुरे काम का रिजल्ट, नतीजा रिजल्ट। हम कहते ना तुम्हें अच्छे काम की जजा मिली, ये तुम्हारे काम की हम सजा कहते हैं, लेकिन वहां पे भी जजा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुम्हें अच्छे काम की जजा मिली, ये तुम्हें बुरे काम की जजा मिली। जजा यानी नतीजा रिजल्ट, उम्मीदें वाजे हो गया होगा जजा, सही ना। जजा यानी आप किसी ने मिसाल के तौर पर जब ये बच्चा इम्तिहान में रिपोर्ट कार्ड लेकर आया तो अगर वो अच्छे नंबर लेकर आया तो माँ बाप कहते हैं ये तुम्हारे मेहनत की जजा है, या अगर जो है वो अगर बुरा रिपोर्ट कार्ड है ये तुम्हारी मेहनत ना करने की जजा है। अब उर्दू में जजा इस्तेमाल होता है या नहीं होता, लेकिन मैं माना को समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि अरबी में जजा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही ना, वरना उर्दू में आमतौर पर नहीं जजा का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल करें, ये तुम्हारे किए का नतीजा है, सही ना, यूं कहा जाएगा। अलाई हाल इम्पोर्टेंट हमारे लिए अरबी है, उर्दू नहीं है। तो जजा यानि जजा रिजल्ट। ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन, अब जजा का माना फायदा करना, ये खिलाफ जाहिर है। ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया यानि एक 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 नफ्स, नफ्स कहते हैं इंसान, कोई भी जीरू यानि मुराद जाहिर है इंसान है, कि एक इंसान दूसरे इंसान से जजा नहीं पाएगा, यानि ऐसा नहीं कि इसकी जजा उसको जजा उस जजा, यहाँ पे जजा सजा के मानों में है। आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जजा अरबी में आम मानों में इस्तेमाल होता है, और खूब यहाँ पे मालूम है कि मजम्मत में ये आयत आई है, लिहाजा यहाँ पे जजा सजा के मानों में है। तवज्जो करें, इसको कहते हैं जुहूर कुरान निकालना। यहाँ पे जजा सजा के मानों में आई है, क्यों? इसलिए कि यहाँ पे कंडेम मजम्मत में है ये आयत। वत्तकू यौमन, बनी इसराइल से मुखातब है, डरो उस दिन से कि जिस दिन किसी नफ्स के बदले में किसी और नफ्स को जजा नहीं दी जाएगी, सही ना। लिहाजा यहाँ पे फायदा का माना करना, जैसा कि बाद मुतरजिम ने माना किया, बेहसब जाहिर दुरुस्त नहीं है ये। बस ला तज्जी जजा नहीं पाएगा नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, मुख्तसर सी जजा भी नहीं पाएगा एक नफ्स किसी नफ्स के बदले में, यानी जिसने जो किया है उसी को भुगतना होगा, सही ना, उसी को वहां पे जिसने जो अमल अंजाम दिया है वो खुद उसकी जजा उसकी सजा पाएगा, सही ना। बस कुरान क्या कह रहा है, वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक्बलु मिन्हा शफाअतुन,
और वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, और कबूल नहीं किया जाएगा मिनहा उस नफ से किसी किस्म की शफाअत। यहां पर एक नुकता आपकी खिदमत में अर्ज करूं और आज की गुफ्तगू को आखिर में बस समेटना शुरू करूं। एक कानून कुरानी याद रखिएगा, कानून कुरानी नहीं है ये, कानून कुरानी गलत का मैंने, एक अरबी का कानून आमतौर पर उदबा बयान करते हैं। अब ये खुद एक बड़ी दास्तान है, दास्तान बई इन माना के फोकहा बाज औकात ये नाहवीन के बनाए हुए कवानीन को कबूल नहीं करते हैं, इसलिए कबूल नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे लिए यकीन आवर नहीं है, इत्मीनान आवर नहीं है, क्योंकि ये खुद आपस में इन लोग के इतने इख्तिलाफी मसाइल हैं, लिहाजा वो बहुत सी जगहों पे मुमकिन है इसको कबूल ना करते हों। अलाइयाल में आया यहां पर आपकी खिदमत में एक अरबी कानून जो हमने अरबी अदबी किताबों में पढ़ा, नहीं मालूम क्या है फकीह इसको कबूल करता है या नहीं करता है, लेकिन बहरहाल एक अदबी कानून है। क्या है कानून, तवज्जो करें, यह आयत अपने सामने रखिए, वला युकबलो मिनहा शफाअतुन, वला युकबलो मिनहा शफाअतुन, ला युकबलो नेगेटिव माना है, मनफी माना है, ला ला के साथ आया है, ला युकबलो कबूल नहीं किया जाएगा, मिनहा मिनहा की जमीर जा रही है नफ्स से, उस नफ्स से कबूल नहीं किया जाएगा। शफाअत, शफाअत, शफाअत के ऊपर आप एक दफा अलिफ लाम लगाएं अशफा, एक दफा बगैर अलिफ लाम के कहें शफा, शफाअत बगैर अलिफ लाम के कहें शफा, इसको कहते हैं नकेरा, एक होता है मारेफा एक होता है नकेरा, शफा यहां पर नकेरा आया है। अरबी अदब में कहते हैं कि नकेरा अगर नफी के बाद आए तो उमूम का फायदा देता है, उमूम यानी इसके सारे अफराद, यानी ला युग़बलु मिना शफातुन यानी उनसे कोई भी शफात कबूल नहीं की जाएगी, शफात का एक फर्द भी उनका काबिल कबूल नहीं है। शफात के कितने फर्द हैं, बहुत सारे अफराद हैं शफात के, अफराद का मतलब क्या है शफात के, शफात का देखिए मैं अफराद की पहले इसकी वजाहत कर दूं, अफराद किसे कहते हैं, शफात के अफराद मिसाल के तौर पर जैसे मैं पहले अरबी मिसाल दे दूं एक और फिर कल अगली दफा इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ एग्जांपल आज दे देता हूं कि मा जानी अहदुन, मा जानी अहदुन ये एक मिसाल दी जाती है, मा नेगेटिव है, जा मा जानी मेरे पास नहीं आया, अहदुन एक, अब ये एक तर्जुमा सही नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ इसका जाहिरी तर्जुमा कर रहा हूं, मा जानी अहदुन, तो नेगेटिव के बाद अहद नकेरा है, अल इस्लाम अगर आ जाए तो अल अहद, बगैर इस्लाम के हो तो अहद कोई एक, इसको कहते हैं कि नफी के बाद अगर नकेरा आ जाए तो उमूम क्यों, उमूम का फायदा देता है, उमूम का मतलब क्या है, मा जानी अहदुन यानी कोई एक शख्स भी मेरे पास नहीं आया। अहद के कितने अफराद हैं, मैं आप दुनिया के सारे लोग अहद में शामिल हैं, दुनिया के सारे लोग अहद में शामिल हैं, मा जानी अहदुन इसका तर्जुमा ये नहीं करते कि कोई एक नहीं आया, मा जानी अहदुन का तर्जुमा करते हैं कोई एक भी नहीं आया। ये भी का लफ्ज कहां से निकाला, ये इसी से निकाला कि नकेरा के बाद जब नफी के बाद नेगेटिव के बाद अगर नकेरा आ जाए अहदुन तो ये भी का माना आएगा, यानी कोई एक भी नहीं आया, यानी अहद के जितने अफराद थे दुनिया के जितने लोग थे वो सारे के सारे शामिल है, यानी कोई एक भी नहीं आया। अब यहां पर आ जाइए, वला युकबलो मिनहा शफातुन यानी उनसे शफात का कोई फर्द भी जो वो कबूल नहीं किया जाएगा। खूब शफात के कितने अफराद हैं, खूब 1,24,000 अंबिया की शफात, मोमिन की शफात, पड़ोसी की शफात, कुरान की शफात, रिवायतों में है ये सब कि ये सब शफात करेंगे, अंबिया शफात करेंगे कि सबसे अफजल तरीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात है, आइमा अथहरम की शफात है, ये सब शफात के मुख्तलिफ अफराद हैं। ला युकबलु मिना शफातुन यानी उनसे कोई शफात कबूल नहीं की जाएगी, उनसे कोई शफात कबूल नहीं की जाएगी। मजीद इंशाल्लाह इस आयत को आगे बढ़ाते हैं कि क्या मतलब है इसको, इंशाल्लाह
अगली आने वाली गुफ्तगू में कुरान की इस आयत को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।